फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसबी कुकिंग शो। तो आज हम मूंगफली और गुड़ की गच्चक बनाने जा रहे हैं। इसे चिक्की भी बोलते हैं, मूंगफली की। और मकर संक्रांत आ रही है तो घर पे ही ये चीज़ें बना के तैयार करेंगे। और सर्दियों के दिन में मूंगफली और गुड़ तो वैसे भी खाने में बहुत ही अच्छा सेहत के लिए। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये कच्ची मूँगफली ली है, ये कढ़ाई रखी है। अभी हम इसको हल्का सा भूनेंगे और इसका छिलका उतारेंगे। तो इसको कैसे भूनना है, कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हो गई है, इसको हमने ज़्यादा भी नहीं साड़ना, नहीं तो ये कड़वापन आ जाता है इसमें। हल्का सा ही भूनना है, ये छिलका अपने आप उतरने लग जाएगा जब जब भूनना शुरू हो जाएगी। उतना सा ही भूनना है हमने। ये मैंने दो कटोरी ली है, मेज़रमेंट बता रही हूँ। तो दो कटोरी हम अच्छे से भून लेंगे ये। तो वैसे तो 250 ग्राम अगर मूँगफली है तो 250 ग्राम ही गुड़ यूज़ करेंगे इसमें, पर मैं ऐसे ही बता रही हूँ। कई बार खुली चीज़ होती है घर पे तो पता नहीं होता मेज़रमेंट का कि 250 ग्राम है कि 200 ग्राम है, तो उसी के लिए मैं ये बता रही हूँ। ये जो कटोरी मैंने मूंगफली की दो ली हैं, यही दो मैं गुड़ की लूँगी। गुड़ को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और देसी घी यूज़ करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तिड़कने लग गई है, ज़्यादा नहीं भूननी है। अब तिड़कने की आवाज़ आ रही है और छिलके भी उतर रहे हैं अपने आप। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसको सीधा हम किसी कपड़े पर रख के थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। फिर इसी कपड़े से अच्छे से इसी तरह से ऐसे करेंगे मैश और ये छिलका उतर जाएगा। अभी थोड़ी देर इसको ठंडा होने को रख रहे हैं हम। देखिए, जो मैंने दो कटोरी मूंगफली की डाली थी वही मैं दो गुड़ की डाल रही हूँ। ये सीधा सा एक मेज़रमेंट है, इसमें घबराने की बात नहीं है। मेरे जो दो तीन चीज़ें ट्रिक्स हैं ये ध्यान से देखें तो वो आप बड़े आसानी से बना पाओगे। तो अभी इसमें मैं 2-3 चम्मच पानी डाल दूंगी। चम्मच पानी डालेंगे तो ये गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लग जाएगा। ये देखिए मेल्ट होने लग गया है। अब गुड़ को कितना पकाना है, गुड़ पे ही डिपेंड है कि आपकी गच्चक जो चिक्की है या गच्चक जो भी आप कहते हो वो अच्छे से बने, मार्केट जैसे कुरकुरी सी बने। तो उसके लिए एक ही बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपने ये एक कटोरी पानी की भर के रख लेनी है पास। बार बार चेक करना है, मैं बताऊंगी आपको उसी तरह से चेक करना जैसे मैं करूंगी, तो आपकी चिक्की बहुत ही अच्छी बनेगी मार्केट जैसी। तो अभी तो हमारा गुड़ पिघल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब तक हमारा गुड़ तैयार हो रहा है हम ये वाटर पेपर लगा के, यहाँ भी हमने ये लगानी है, गच्चक बनानी है, उसी पर हम वाटर पेपर पर घी लगा लेंगे थोड़ा सा। तो अभी हमने ये लगा लिया, बेलने को भी तैयार कर लिया। ये सब पहले ही तैयार करने हैं क्योंकि हमारा जब गुड़ तैयार हो जाएगा तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम ये चीज़ें पहले ही रेडी करके रखेंगे, तब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, वो गुड़ जो है जमने लग जाता है। ये मैंने तैयार कर लिया है, यही मेन एक जो है यही है कि देखना है गुड़ कैसे किस तरह से पकाना है इसको। अभी ये जैसे बिल्कुल अभी ये देखो वाइट वाइट सी झाग आने लग गई है, पर देखते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था कि पानी लेंगे कटोरी में, ऐसे डालेंगे घी, सॉरी गुड़। अभी हमने देखना है कि मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से देखते रहना वीडियो को, कि किस तरह से बनानी है गुड़ को, किस तरह से रेडी करना है कि हमारी गच्चक मार्केट जैसे बने। ये देखो अभी नहीं बनी, ये देखो गुड़ किस तरह का हो रहा है, इस तरह का नहीं, अभी तैयार नहीं है, अभी और पकाएंगे हम इसको। देखो हमने मूंगफली को अच्छे से छिलके इनके उतार के तैयार कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा इनको कटोरी से इस तरह से बारीक कर देंगे। फिर आप चक्की को मोटा पतला जैसे भी बना सकते हो। अगर बिल्कुल आप ऐसे तोड़ेंगे नहीं मूंगफली को तो आपकी गच्चक जो है वो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से सारे को कटोरी के साथ ही हम कर लेंगे तैयार। तो ये देखिए हो गई है पीस के, इस तरह से दो दो टुकड़े हो गए हैं, कहीं तीन भी हो गए हैं, चलेंगे। अभी ये एक बार फिर से गुड़ को हम चेक करते हैं। भी थोड़ा थोड़ा खींच रहा है, मैं इसलिए बार बार दिखा रही हूँ कि ये गलती आपने नहीं करनी है। बार बार पानी में डाल के चेक करना, जब तक ये टूटेगी नहीं अच्छे से तब तक हम इसको पकाते रहेंगे गुड़ को। फ्रेंड्स देखिए, गुड़ की आवाज़ इस तरह से आनी चाहिए कड़क करके। ये देखो टूट रहा है गुड़ अच्छे से। इस तरह मूँगफली डाल देंगे, हमारा गुड़ तैयार हो गया बिल्कुल। सारी मूँगफली डाल देंगे, गैस बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे लो रख के गैस को।
ये हमने सारा डाल दिया, अभी हम फटाफट से मिक्स करेंगे। ये वाला प्रोसेस जो है ये भी हमें जल्दी जल्दी करना है। मैंने घी लगा लिया है फ्रेंड्स, अभी इस तरह से हम करेंगे, स्प्रेड करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम, आपका हाथ जल सकता है। आपने जितनी पतली बनानी है चिक्की उतनी आप इसको इस पर बेलने से हमने इक्वल सी कर ली है। अभी थोड़ी सी मिट्टी सौंफ डाल देंगे ऊपर, गर्म गर्म पे चिपक जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे, घर की है तो जो मर्जी ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल लो आप। ये हम पिस्ता डाल देंगे, इसको भी ऊपर से बेलने से प्रेस कर देंगे। सारा ही डाल देते हैं जो किया है तैयार। घर पे बना रहे हो तो जो भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो अपनी मर्जी से। ये देखो हमने पिस्ता और मीठी सौंफ डाली है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स घर पे। ये इस तरह से बनाएं, आप एक बार बनाओगे। बस मैंने आपको बता दिया तरीका, आपने जो गुड़ है किस तरह से उसको पकाना है। तो ये देखिए अभी हम इसको 2 घंटे के लिए वैसे ही रख देंगे, पर उससे पहले हमने इसको कट निशान लगाने हैं कट के, उसके बाद नहीं लगेंगे। और अभी हम इसको गरम गरम पे ही ऐसे, ये पिज़्ज़ा कटर है इससे निशान लगा लेंगे, फिर बाद में ये नहीं लगते। आप जिस तरह से भी जो भी शेप देना चाहते हो चिक्की की, गच्चे की, वही दे सकते हो, घर पे ही तो बना रहे हो। तो इस तरह से हम निशान लगा के दो ढाई घंटे के लिए ठंडा होने को रख देंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने ये निशान लगाए थे, अब हम इस तरह से तोड़ लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स ये देसी घी की चिक्की बना ली है मूंगफली और गुड़ की, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, और देखो शाइन कितनी है, कितनी चमक रही है, ये देखिए। घर पे ही इस तरह से बनाएं, मैंने आपको तरीका बताया है कि गुड़ को कैसे बार बार चेक करना है पानी में, फिर आपकी चिक्की बहुत ही मार्केट से भी अच्छी बन जाएगी। घर पे पता तो होता है ना कि मूंगफली साफ़ है, घी साफ़ है, अपने घर पे ही बनाएं, बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। घर की बनी हुई चिक्की बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप इस तरह से बनाएं जैसे मैंने बनाई है। और मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें फ्रेंड्स कि मेरी चिक्की की रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी हम इसको फ्रेंड्स देखो, शाइनिंग देखो इसकी, पहले तो ये घी डालने से कितनी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। हमने इस पे देखो पिस्ता डाला है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट घर पे डाल सकते हो, बहुत ही यम्मी बनती है। इस तरह से मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी बनी है। देखो कितनी कुरकुरी बनी है, इस तरह से बनाएं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें प्लीज़, और आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।